मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और इसकी कड़ी सी कड़ी इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई आम बात नहीं है। जैसे मैंने कहा था अभी पहले कि हम लोग पहले सुनते थे, सोचते थे कि बम टेररिस्ट लगाते हैं, लेकिन अभी पता चला बम पुलिस लगाते हैं, पुलिस बम रखते हैं। और कोई भी पुलिस हो, पुलिस कमिश्नर हो या और कोई भी हो, किसी की भी हिम्मत नहीं होगी किसी के इंस्ट्रक्शन के बिना कि पुलिस ये काम करे। उनको ज़रूरत भी नहीं है, पुलिस डिपार्टमेंट को कोई ज़रूरत भी नहीं है। और किसके घर के बाहर, जो देश का सबसे बड़ा उद्योगपति है उनके घर के बाहर, जिनकी एक इजरायली सिक्योरिटी है और मुझे लगता है कुछ मध्य प्रदेश की भी उनके पास सिक्योरिटी है, ऐसे मुझे कुछ पता चला है, उस रोड पे आप एक दो बार गए तो आपकी इंक्वायरी भी हो सकती है। वहां पे एक 24 घंटे गाड़ी खड़ी रहती है एक बम लेके, और उसमें एक लेटर रहता है जिसमें मारने की एक रिक्वेस्ट होती है कि मैं आपको मारने वाला हूं, प्लीज आप तैयार रहिए। हाँ, ऐसे कभी आज तक महाराष्ट्र में हुआ नहीं है। यानी बाहर की जो स्टेट्स है वो आज तक महाराष्ट्र का एग्जाम्पल देते हैं। हम लोग कहते थे कि भाई स्कॉटलैंड यार्ड की जो पुलिस है उसके बाद मुंबई की पुलिस आती है। मुझे लगता है दुनिया भर में कहीं भी आप जाओ, किसी भी देश में जाओ, मुंबई पुलिस जैसी कोई पुलिस नहीं है। उन लोगों की, इन राज्यकर्ताओं ने, इन पॉलिटिशियंस ने ये हालत कर दी है उनकी कि लोग उनके ऊपर उंगली उठा रहे हैं। और इसलिए मुझे केंद्र सरकार से मेरी विनती है कि वो कड़ी से कड़ी इंक्वायरी करे, और अगर ये नहीं हुआ तो लोगों का, प्रशासन, सरकार, इन सारी चीजों के ऊपर से विश्वास उड़ जाएगा। सर, गृह मंत्री, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? गृह मंत्री, होम मिनिस्टर मनी एक्सटॉर्ट करने का कह रहे हैं, ऐसे फॉर्म ऑफ मुंबई पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं। दुर्भाग्य की बात है, आप, हम लोग अभी तो मुंबई पुलिस कमिश्नर ने कहा है, वो जो गृह मंत्री रहते हैं, होम मिनिस्टर जो होते हैं, वो राज्य के होते हैं। बाकी मुझे नहीं पता अभी तक कि बाकी के जो शहर है वहाँ के जो कमिश्नर है उनको क्या बताया है। बार्स क्या सिर्फ मुंबई में नहीं है? तो अभी तो ये शुरुआत है, और मुझे लगता है कि ये पूरा ये जो प्रकरण है वो आप कहीं और मत लेके जाइए। मुझे लगता है कि बम की गाड़ी किसने रखने के लिए कहा, वहां पे रखने के लिए कही है, वो मुझे लगता है बाहर आना चाहिए। बस इस्तीफा दे देना चाहिए, आपको लगता है तुरंत प्रभाव से? मैंने कल ही डिमांड की है अनिल देशमुख को इस्तीफा देना चाहिए इमीडिएटली, नहीं दिया तो लेना चाहिए, और इसकी इंक्वायरी महाराष्ट्र राज्य में नहीं हो सकती। मुझे अभी तक पता नहीं चला है कि मुंबई पुलिस कमिश्नर को निकाला क्यों, कुछ तो कारण चाहिए ना कि मुंबई पुलिस कमिश्नर उस बम कांड में कुछ उसमें इन्वॉल्व थे, इसलिए उनको, उनका ट्रांसफर किया। ट्रांसफर क्यों किया? अगर आपने निकाला है तो कुछ चीज तो होगी जिससे आपने निकाला है। अगर निकाला है तो इंक्वायरी क्यों नहीं हुई, ट्रांसफर क्यों हुई? देखिए, मैंने अभी भी जो बात कही यहाँ पे वो मैंने राज्य सरकार से नहीं कही। मैंने जो मांग की है वो केंद्र सरकार से की है। मुझे लगता है कि केंद्र से कोई ना कोई रिस्पांस आ ही जाएगा, मेरे बोलने से नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि ये इतनी छोटी बात नहीं है। एक गाड़ी में बम भरा हुआ है, बम रखे हुए हैं, और एक उद्योगपति के घर के बाहर खड़ी है गाड़ी, ऐसे ये सीधी बात नहीं है।